हुआ ये है कि आखिरी वक्त पर उससे कुछ बात भी नहीं कर सकी। अगर हमारी ये चाल कामयाब हो गई तो हम आरती की करोड़ों की जायदाद के मालिक बन जाएंगे। आपके दिल के किसी कोने में इतनी भी जगह हो जहाँ मेरी श्रद्धा बस सके तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। हमारा मन कहता है कि संजय बाबू अच्छे इंसान है, फिर बिटिया जिंदगी में कभी न कभी तो समझौता करना ही पड़ता है। पीछे हाँ ऐसे भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि मासूम बच्चों से उनकी मां छीन ले। वो नहीं मर सकती, वो जरूर वापस आएगी। कानून कहता है कि जब तक किसी इंसान की लाश मिल नहीं जाती तब तक उसे मुर्दा नहीं करार दिया जा सकता। अब मेरी इस उजड़ी हुई जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला, इंतकाम। क्या मैं आपके सवाल का जवाब बन सकती हूँ? सोते जागते उठते बैठते मैं आप ही की कल्पना करता रहता हूँ, लगता है बस पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ एक दोस्त के नाते। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। और जितने भी राज हम दोनों के बीच में है वो सब मैंने एक कागज पर लिखकर अपने पास रखे हुए हैं। मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे नाना के खून की, उन सब पापियों को उनके एक एक गुनाह की सजा देकर ही रहूंगी।